महाभारत की रचना का प्रयोजन जानने के बाद आज हम इस महाभारत की रचना कैसे संभव हुई इसकी बात करेंगे। सुत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके ये कथा सुना रहे हैं और सुत जी उनसे कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास के मन में महाभारत के युद्ध के बाद बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं। वो इस युद्ध की विभीषिका को देखने के बाद उसके परिणामों का पुनः और किसी भी समाज में प्रत्यावर्तन ना हो, इसलिए लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। मन में बहुत कुछ है, उसको शब्दबद्ध करें तो वो काव्य बन जाए, लेकिन संभवतः महर्षि वेदव्यास भी मेरी तरह कुछ लिखने के मामले में आलसी रहे होंगे। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, वो जिसे बोलें उसको वह व्यक्ति लिखता रहे, और इसी तलाश में वो बहुत लोगों से मिलते हैं। अंत में ब्रह्मा जी उनको मार्गदर्शन आपते हुए कहते हैं कि आप गणेश, शिवपुत्र गणनायक गणेश का स्मरण कीजिए, वही आपके कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके और महर्षि वेदव्यास जो है वो गणेश जी का आवाहन करते हैं। गणेश जी आकर उपस्थित हो जाते हैं। गणेश जी को भी लगता है कि बैठे बिठाए ये कहाँ से हमारे ऊपर कार्य आ गया, अतः वो एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी लेखनी रुकेगी नहीं तब तक मैं आपका महाभारत या जो भी काव्य है वो लिखता रहूँगा, लेकिन मेरी लेखनी जैसे ही रुक जाएगी मैं वह कार्य बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास पराशर पुत्र अप्रतिम विद्वान, जिनके मन में सारी भावनाएं स्पष्ट हैं, उनके लिए ये शर्त नगण्य थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलने से पहले विचारना नहीं था, वो जो बोलते थे वही वास्तविक विचार बन जाए। इतने महान महर्षि वेदव्यास ने गणपति की शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया। परिणामतः महर्षि वेदव्यास जो बोल रहे थे गणपति ने उसको लिखना स्वीकार किया। जब गणपति ने यह शर्त रखी तो महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त गणपति के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं जो बोलूँगा आप उसका अर्थ समझने के बाद ही उसको लिखेंगे, ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूँ और आप बिना समझे उसको लिखते रहें, नहीं तो पूरा मेरा प्रयास निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। गणपति को भी अपनी बुद्धि पे पूर्ण विश्वास है, वो तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रिद्धि सिद्धि के तो पति हैं। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और इस तरह से महाभारत का रचना उपक्रम शुरू हुआ। सुत जी लिखते हैं कि हिमालय की एक गुफा में बैठ करके और महर्षि वेदव्यास ने बहुत तपस्या की है और योग द्वारा पूरा घटनाक्रम जो है उसको क्रमबद्ध किया है और उस क्रमबद्ध घटनाक्रम को उन्होंने बोलना शुरू किया और रिद्धि सिद्धि के पति पार्वती पुत्र गणनायक गणाधीश गणपति ने उसको लिखना शुरू किया और इस तरह से
ये महाभारत नाम का जो काव्य है वो लिखा गया। मैंने महाभारत के परिचय में 18 पर्वों की जो बात की थी उसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वयं महाभारत में ये उल्लिखित है कि महर्षि वेदव्यास ने इसको 100 पर्वों में विभक्त किया है। उन्होंने इसमें 100 पर्व लिखे जिन्हें हम आज उपपर्व कह सकते हैं, यानी 18 पर्वों के अंदर जो विविध उपपर्व आते हैं उनकी संख्या शताधिक है, 100 से ऊपर है, और उन पर्वों में विविध विषयों का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर 100 पर्व हैं तो 100 तो मूल विषय ऐसे हैं ही कि जिन विषयों पे महर्षि वेदव्यास ने बहुत विस्तार के साथ सारी बातें प्रस्तुत की हैं। तो इस महान ग्रंथ के रचना का जो उपक्रम है उसको हमने इस वीडियो में समझा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको इसके वीडियो मिलते रहें। इसलिए